नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी सख्त रवैया अपना रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के जरिए सरकारी अधिकारियों और आम लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई थी। और अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शराब के एक बहुत बड़े तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा है। शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिसिया अभियान में बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बड़े शराब माफिया मुर्शीद आलम को पूर्णिया से धर दबोचा। मुर्शीद बंगाल से बिहार में शराब की सप्लाई करता है। इसके गैंग में शामिल लोग बॉर्डर पार कराकर अंग्रेजी शराब के साथ नकली शराब और स्प्रिट को बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाने का काम करते थे। ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला के दालकोला का रहने वाला है। पुलिस इसको पकड़ने के लिए 2 सालों से लगातार जद्दोजहद कर रही थी और अंत में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसिया पूछताछ में शराब तस्कर मुर्शीद ने कई बड़े खुलासे किए हैं और कई चौंका देने वाली बातें भी बताई है। उसने पुलिस को बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार में तस्करी हो रही है, जिससे बिहार और दूसरे राज्यों के बड़े तस्कर शामिल हैं। यूपी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये नेटवर्क काम कर रहा है। बिहार में धड़ल्ले से नकली शराब और स्प्रिट की तस्करी हो रही है, जिसके वजह से कई जाने भी गई। आपने देखा कि बीते दिनों नकली और जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई और बिहार में तांडव जैसा माहौल था। पुलिस के अनुसार मुर्शीद आलम पर बिहार के पूर्णिया, अररिया, सुपौल, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, बांका, वैशाली और मोतिहारी जिले के 1.5 दर्जन थानों में मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। बंगाल के साथ वह हरियाणा के शराब तस्करों के भी संपर्क में था और बंगाल के रास्ते भारी मात्रा में शराब की तस्करी बिहार के विभिन्न जिलों में कर रहा था और पुलिस इसे लंबे समय से तलाश रही थी। लेकिन अच्छी बात ये कि मुर्शीद आलम को पुलिस ने पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इससे आगे की पूछताछ की जा रही है कि आखिर कैसे कैसे और कौन कौन शराब के इस धंधे में संलिप्त है। आपको बता दें कि शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर सीएम नीतीश ने हाल ही में बड़ी समीक्षा बैठक की थी। लंबे समय तक चली इस समीक्षा बैठक को मैराथन बैठक का नाम दिया गया, जिसमें पुलिस को हर हाल में तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया। साथ ही ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। 26 नवंबर को ही पटना में ज्ञान भवन में सभी कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई कि वे आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।